कल राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इंदिरा रसोई की शुरुआत की, जिसके तहत निर्धनों को 8 रुपए में भोजन कराया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की थी, जिसके तहत भी 8 रुपए में ही निर्धनों को भोजन कराया जाता था। हालांकि अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलने पर पिछले एक वर्ष से विचार हो रहा था और जून में इस बात को स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन राजस्थान की राजनीतिक हलचल के कारण अब जाकर यह रीलॉन्च हुआ है। इसी प्रकार पिछले दिसंबर में भी वसुंधरा सरकार की भामाशाह कार्ड योजना के स्थान पर जन आधार कार्ड योजना शुरू की गई। भामाशाह कार्ड परिवार की महिला के नाम पर जारी किया जाता था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं के लाभ इससे उठाए जा सकते थे। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की वित्तीय सहायता की थी।